फाइनली लास्ट पैड़ी बाबा के धाम पे लास्ट पैड़ी बादलों में होए जय श्री केदारनाथ। आप देख सकते हो आप केदारनाथ धाम के चरणों में एक्साइटमेंट लेवल भाई जन्नत है भाई भाई। हर हर मतलब इसका नाम है भीमशिला, ये यही रहता है। आज फाइनली फूड ट्रैक और सुबह सुबह शुरू कर दिया हमने पैदल मार्ग का। यहाँ से रिव्यू देख व्यू देख हर हर मैं प्रॉब्लम वो टेंस मिल जाए ये सुबह का सीन है गाइस। सुबह का यहाँ से पानी सुबह 5:30 बजे गाइस ट्रैकिंग शुरू कर दी है। हमारे पास बड़े बड़े बैग है, 1 किलोमीटर तक आ गए जी निकल गए वादियों में। प्लेयर हमारे कहाँ हैं जय बाबा की। ये देखो ट्रैक पे चल रहे हैं और होते रास्ते में जा रुकते दिखाते हैं आपको जी निकल जाते भाई खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। यहाँ पे गाइड ट्रैकिंग के मजे ले रहे हैं, ये देखिए वादियों के मजे आप लीजिए, जहाँ मैं रहा हूँ मजे आप लो। ये देखो फूल देख रहा हूँ, गमे देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर बहुत जा रहे हैं नदी है गाइस। आपको छोटा सा नज़ारा दिखाएंगे इधर से पार्वती और ये हमारी मंजिल से हम कुछ थोड़ी दूर हो रहे हैं। ये रही अरे जानो बाबा ने मंजिल के बहुत करीब करीब नहीं आ रहे, 1 किलोमीटर आए करीब अभी बस रे बेटा 20 अरे झलक दिख गई रखे मतलब है अभी जी निकलेगा अभी तो पता लगे है तो गाइस फाइनली हम कैंपटी फॉल में पहुंच कैंपटी फॉल के झरने पे पहुंच गए। एक बात जरूर कहूंगा गाइस जिंदगी में केदारनाथ आना है ना तो पैदल ही आना या हेलीकॉप्टर से आना, खच्चर से मत आना, अपने घर रहना। भाई तुम अगर पैदल आके देखोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा भाई कितनी जान लगती है, कितनी जान लगती है। तो इनसे इन ये भी तो इंसान है भाई, इनकी भी तो जीव है, इनकी तो फीलिंग्स होते हैं भाई, ये इनको भी तो दर्द होता है। आप खुद आओ पैदल आओ एंजॉय करो लाइफ को सीरियसली, घोड़े पे ना आइए प्लीज़ दिल से भाई जी। देखो नेचुरल वाटर पिएगी नेचुरल इसमें ले चलता है नेचुरल वाटर पानी यहाँ से भरीजिए। ये वादियाँ केदारनाथ की आप प्रॉपर देखिए जय श्री शंभू देवाय नमः। अभी तो ऊपर बाकी है सब कुछ ठंडो पानी भाई सही पहाड़ में ठंडो मिलेगा यार दिखा चिल्ड है और तो लाल होगा 1 मिनट में लाल होगा चिल्ड पानी भाई वादियाँ। बाय बाय गाइस चलते हैं अभी हजार स्टेप होगा अपना कड़ा छोटू जी निकल रहा है किधर मल्लाई बेबी पहुंच
हाँ दे दे तो पहुंचते कलाकंद मत खाइए। अब बोल क्या कर रहा भाई, तर्जस सर मेरे से तो बढ़िया आदमी देखा जा भाई, जैसा मेरे अच्छी जगह है आदमी देखा जावे। रहने दो यार तुम जाओगे, अरे अपने साथ रहो भाई, ऐस करोगे भाई। हम ले ले बोल ना, बड़ा सही है तो भाई। यहां पे थोड़ा फोटो शूट चल रही है हमारी, झरना है बहुत बढ़िया सुंदर। आप देखिए रेनफॉल अल्ले बेटी का कार्ड है, मैंने ना मेरे में झरने कह दूंगा पर रेनफॉल ना कहा करो, इतना इसमें बैठे क्या बोला बोला रेनफॉल अलग है। फाइनली हमने आप जो ने रिकवर करने वाले हैं जल्दी घोड़े नहीं लेने दे रहे मुझे, अभी देख लो बोलो भाई। हाँ यार भैया, ओ सॉरी ब्रो, ओके मैं आप सोच रहा हूँ कि मैं क्या पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ चाय, कई साल बाद पीता हूँ मैं चाय, और बाहर में चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो देखिए आप बात यह देखिए और ये चाय देखिए भाई, एक बार लिया ना चाय पी लो। पहाड़ों में चाय के मजे ही अलग है भाई। देखते देखते देख यार मैं कटला के मट्ठी आ गया हाथ में, ये तो भाई हरियाणा वाला ही कर सकता है। अभी ट्रा भाई मट्ठी गाल ले हरियाणा से ही। मजे लो जिंदगी के, बारिश की कदर देखते हुए बढ़ते हुए यहाँ पे रेनकोट निकाल लिया हमने। चल 5 लाख रुपए का लाया है। चल तू क्या कभी हम जा रहे हो रेनकोट, बारिश की कदर बढ़ गई है यहाँ पे, बारिश को देखते हुए। छोटू का 5 लाख का है, इसका 2.5 लाख का है, ये 100 रुपए का है। चले भाई रेडी, अभी हम लिंक में डाल दूंगा। अभी हम चुप है, अभी हम 7 किलोमीटर दूर है, बहुत ही आगे आपसे मिलते हैं जल्दी, और फिर कर देंगे जर्नी स्टार्ट। और शंभू फाइनली हम 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, बारिश हो गई तेज बहुत है, ये पोला है भाई बारिश में, देखो आपको कैमरा भी धुंधला है, वाटर मार्क्स पड़ रहे हैं और तेज़ बारिश हो गई है। देखिए आप मिलते हैं जल्दी आप ऊपर पहुँच के, 2 किलोमीटर सिर्फ 2 किलोमीटर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं सर्दी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सर्दी बढ़ती जा रही है। तो ये एक चद्दर नहीं लाया है, इसको अगर अवेलेबल करवाइए। चद्दर नहीं यार, एक काम कर तू, मैं कम्बल धुआ दे, चद्दर पारना पड़े, चद्दर ले ले। गई थी ले ले, चद्दर में घुसो तू। मैंने ना किसी की मदद की है, मेरी चद्दर बहुत जरूरी है, वो रेलवे में सठाई है इसने चद्दर, उत्तर प्रदेश ले रहे हैं चद्दर पार कर लाए हो, और भाई ने दे दी तेरे मदद के लिए, पर आज एक से गुड पाई, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, दुनिया में सबकी मदद करना ठीक है, आगे बढ़ते रहना। सर्दी बहुत तेज है, आप देख सकते हो थिएटर आ रहे हैं, और लास्ट 1 किलोमीटर दूर है मंजिल से भाई, आओ जरूर सुन एक बार जरूर सुन, वहाँ पहुँच के बात करेंगे। फाइनली गेट के पास पहुँच गए हैं, मंजिल के पास थोड़ा सा ही दूर है, और देख सकते हो वहाँ बर्फ हो रहा है कोहरा, और यहाँ से हरियाली भाई एक नंबर सुनिए, कृपार सदन फिर के जानवर आपका स्वागत है, और मंदिर शायद वहाँ से आपको दिख गया होगा, नहीं देखा, जय श्री कृपा, जय महाकाल मंदिर है वहाँ से, चलते हैं अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। भाई ऑलमोस्ट है, मैंने पहुँच चुके हैं स्कूल पे, है स्कूल के बाद पापा का यही मंदिर है, तो हम बादल में गिर गए भाई, बादल जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये बादल है, जो भी वाइट में दिख रहे बादल है भाई, सारे पूरा गिर चुके हैं बादल में, और यहाँ तक शायद ही 10-20-30 मीटर तक दिखता होगा, उसके बाद बादल बादल है। अभी सब दिख रहा था पहाड़ पे, जो मंदिर है पहाड़ पे भैरू जी का 1.5 किलोमीटर वो सारा दिख रहा था, अब 1% नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो, मैं दिखाने वाला था आपको स्कूल पे आने के बाद, पर 1% में दिख रहा है। जब पहुँच चुके हैं फाइनली, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मंदिर को देखने की, अभी चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जय बाबा की, फाइनली बाबा के लास्ट पैड़ियों पे पहुँच गए हैं बाबा सामने,
और दिल की एक्साइटमेंट बहुत खुशी हो रही है भाई, जन्नत से फील हो रही है। आप भी देख लो, मैं दिख नहीं रहे हो, ये रहा अभी पहुंच रहे हैं लास्ट पैड़ी पे। तो भाई दिल की एक्साइटमेंट भर के तो मैं पैड़ी भाग भाग के चढ़ जाऊंगा। बोल शंकर भगवान की। गाइस फाइनली मंदिर दिख गया है, अभी भाई आ गया यार आगे, ये रहा आप देख सकते हैं, ये रहा दर्शन कर लो बाबा, जय श्री केदारनाथ। अभी ऊपर पहुंचा, फिर दिखाता हूँ आपको। फाइनली लास्ट पैड़ी बाबा के धाम पे, लास्ट पैड़ी बादलों में, ओए होए होए, जय श्री केदारनाथ। बादल देख सकते हो आप, जय हो शिव शंभू, जय श्री केदारनाथ। हर हर महादेव, लोग दिख नहीं रही, लोग छुपा दी गई है। पहुंच चुका भाई फाइनली केदारनाथ धाम के चरणों में, एक्साइटमेंट लेवल भाई जन्नत है भाई, दिल से बता रहा हूँ, हटा देता हूँ दिल से। बहुत खुशी होती है भाई जब ये बात में आते हो आप, और सच में बहुत बढ़िया जगह है भाई, बहुत बढ़िया। आओ यही है बाबा के, आओ दर्शन करो, लाइफ में बहुत कुछ पाना है भाई। मिलते हैं, मैं थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ। गाइस फाइनली हमारे पैर ऐसे हो गए, बर्फ में दे रखे हैं भाई, बहुत ठंड भाई, बारिश नहीं रुक रही है। हाँ बाबू आगो, मैं हटाऊ, हाँ देख ले, थोड़ा सा जिंदगी का सबूत है भाई। यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं अंदर भाई, शाम की आरती बाबा भाई गैल घर पे बिना नक्का हो, बिना ना रो, ये जिंदगी है, ये तरक्की कराऊगा तू, ये मांग ला बाबा, तू नू मांग ली, मैं दिल्ली ना आऊ बस, तू बाबा से वैसे नू मांग ली, मैं दिल्ली ना लू बाबा। पहाड़ियों की भी दे सकते हैं, अभी जूम कर सकते, बड़ा भी बड़ा पूरा ही पूरा चल रहा, मैं लाइन में लगाऊँ अब तो ठीक है, टाइम लाइन में लगाऊँ भाई लोग सारे, और यहाँ पे पापा के मंदिर में आऊँगा, अभी दर्शन करके आऊँगा। वीडियो में बनाऊंगा यार, मैं फोटो दोनों चीज कर लूं, टेंशन मत ले। यहाँ पे फोटो बनता है फिर भी मैं ले लूंगा अंदर, हर हर महादेव, अंदर जाऊंगा अंदर से बनाऊंगा, तैयार है बापा मंदिर शिव शंभू देव आए मैं, और वहाँ पे भी जाना है मुझे। जी अपने शिव जी का त्रिशूल, इस मंदिर के अंदर जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको, क्या है 2014 में जब बाढ़ आई थी
ठीक है, बहुत तेज बाढ़ आई थी, तो ये जो पत्थर है ना मंदिर के जस्ट पीछे आके लग गया था। इस वजह से इस मंदिर के एक खरोच भी नहीं आई। जहाँ से मंदिर है ना वही मंदिर है। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है भाई, बहुत बड़ा पत्थर है, पहाड़ से उतर के यहाँ लग गया था। इसका मतलब इसका नाम है भीमशिला, ये यहीं रहता है। और इसको जैसे पानी का ऐसे कट कर दिया इसको, पर इस मंदिर के खरोच नहीं आई। और एक ये देखिए आप, यहाँ पे बनाते हैं घर, ये घर है जिस जो भी बनाता है उसका घर यहाँ पे सलामत रहता है। तो आपका क्या जायजा है, मुँह बनाना चाहिए हमें घर फुल घर बनाओ भाई, ऐस करो। चलो जय श्री शंभू। और ये अपना मंदिर मंटर में जय श्री केदारनाथ करो। और भीड़ भाई फुल है। गाइस फाइनली आरती शुरू हो गई, इसका मुझे वेट था। Make that easy.